हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिबैन 90। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप एक सिक्योर मेल भेज सकते हो। जब हम ईमेल भेजेंगे उस ईमेल को खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए होगा, और वो जो ईमेल में भेजूंगा उस ईमेल को एक लिमिटेड टाइम तक ही उस बंदे के पास होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो है ना, बड़ी मजेदार चीज है और बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हो, इसलिए कुछ एडवांस करने की जरूरत नहीं है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ आपको किस तरह से हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सिक्योर मेल, राइट। तो सिक्योर मेल जो है मैंने ऑलरेडी एक मेल भेजा है, अब आपको मैं बताता हूँ इसको खोल के कि इसके लिए क्या चाहिए होता है। देखिए जैसे मैं इसको खोलने जा रहा हूँ तो ये खुल गया हमारा मेल, और आप देख सकते हो इस मेल पे लिखा हुआ है कि वेरीफाई आइडेंटिटी टू व्यू दिस मेल आपको इस मोबाइल नंबर पे, जी हाँ एक मोबाइल नंबर है जिस पे आपको ओटीपी जाएगा और उसके बाद आपको पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे सेंड पासवर्ड में क्लिक कर दिया तो पासवर्ड मेरा मोबाइल पे जाएगा, और उस पासवर्ड को यहाँ पे डालने के बाद ही आप इस मेल को खोल सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा फोन में ये ऑलरेडी गूगल योर गूगल वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, यही हमारा पासवर्ड है 83 1421। जी हाँ, तो ये वेरिफिकेशन कोड है, जैसे कि देख सकते हो मेरा फोन में आया, और इसके बाद हम इसे ओपन कर रहे हैं। जैसे सबमिट कर दिया मैंने इसको, तो ये जो है हमारा ईमेल खुल चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ऐसे में लिख दिया, तो आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, और उसके बाद इस तरह से आप भेज सकते हो एक सिक्योर मेल। और ये जो मेल है सिर्फ एक दिन तक ही रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो दिखाता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप इसे भेज सकते हो। तो चलिए मेरा दूसरे ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं और वहां से हम फिर करते हैं। तो मैंने दूसरा ईमेल आईडी खोल लिया, आप कंपोज में चला गया। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि किस तरह से करना है। तो कंपोज में करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिसिपिएंट, मतलब किसको भेजना चाहते हैं हम। तो मैंने ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से सब्जेक्ट में टेस्ट, उसके बाद इसमें बस कुछ नहीं लिखेंगे, हेलो, बस इतना ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे नीचे एक बटन मिलेगा आपको इस तरह का, लॉक की तरह दिखने वाला। हाँ, तो इसे हम यूज करना है, इसे हम क्लिक करना है। ओके, तो ये जो चीज है यही पे आपको ध्यान देना है। अगर आप एक्सपायरी डेट 1 वीक रखा तो 1 वीक तक उस बंदे तक आप बंदे के पास आपका ईमेल रहेगा। अगर आप चाहते हो नहीं इससे कम रहेगा तो इस तक कम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक किया, इसमें एक्सपायरी इन ऑन डे, एक दिन में एक्सपायर हो जाएगा, उसके पास जो भी ईमेल भेजेंगे। 1 वीक है, ऑन मंथ है, 3 मंथ है, और 5 ईयर्स के लिए। तो हम ऑन डे के लिए रखेंगे, और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में हम जैसे कि देख सकते हैं इसमें है नो SMS पासवर्ड, हम इसे SMS पासवर्ड कर देंगे। जी हाँ, तो हम इसे SMS पासवर्ड करके इसके बाद सेव कर देंगे सेटिंग को। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको जो मेल किया था हमने उसको सेंड कर देना है। सेंड करने का टाइम भी अब एक मोबाइल नंबर मांगेगा, ये मोबाइल नंबर आपको किसका देना है, आपका भी दे सकते हो या फिर उस बंदे का भी दे सकते हो जिसके, क्योंकि उसी मोबाइल पे पिन कोड आने वाला है। तो मैं ऐसे मैंने डाल दिया मोबाइल नंबर, इसके बाद इसे हम सेंड कर देंगे, राइट। तो इसके बाद हम इसे सेंड कर देंगे, जैसे कि देख सकते हैं हमारा मेल जा चुका है। अरे बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि हम जो मेल भेज रहे हैं हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी इसे खोल के देख रहा है देख सकता है। तो इसके लिए एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेल हम भेज सकते हैं। स्पेशली इस तरह का मेल हम तब भेज सकते हैं जब एक ही पीसी को या फिर एक ही ईमेल आईडी को काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं, इस दौरान हम इस तरह का मेल भेजना चाहिए तो बहुत ही सिक्योर होता है, और आपका जो इन्फॉर्मेशन वो भी लीक ना हो। मेल टेस्ट मेल जैसे कि देख सकते हो ये आ चुका है यहाँ पे, तो सेम उसी तरीके से आया है हमारा मेल भी। इसमें भी वेरिफिकेशन के लिए चाहिए और सेंड पासवर्ड इसमें क्लिक करना है, और ये जो मोबाइल नंबर यहाँ पे है इसमें पासवर्ड जाएगा, राइट।
तो सेम तरीका से, तो देख लिया कितना आसान है ये करना। तो होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो जरूर मेरा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।